हेलो स्टूडेंट्स टुडे वील रिवाइज एसे राइटिंग हम लोगों ने बहुत सारे बार एसेज लिखे हैं राइट सो एक बार रिवाइज तो करना ही है साथ में वी विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स लेट्स वॉट इज एन एस एन एस इज अ शॉर्ट नॉन फिक्शन

एसेज भी दो तरीके के होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इट हैज़ मैनी पर्पसिज डिपेंडिंग ऑन वॉट द राइटर वॉन्ट्स टू राइट अबाउट एंड हाउ ही और शी वॉन्ट्स टू अफेक्ट द रीडर्स सो ऐसे लिखने का जो पर्पस होता है वो डिपेंड करता है कि राइटर क्या कहना चाहता है किस चीज़ के बारे में लिखना चाहता है और उसके रीडर्स का क्या उसके रीडर्स को उससे क्या अफेक्ट पड़ना चाहिए So there are three main parts, three main components, and el or elements we can say of an essay writing. The first one is introduction. It is the opening part of the writer that shows the topic sentence of the essay or the thesis statement. It prepares the readers on the essay. Therefore, it should be effective so that the readers are encouraged or motivated to continue reading. सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हमारी ओपनिंग भी होती है और एक तरीके से जस्ट होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक के बारे में सब कुछ उसमें बताया गया होता है अब एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन शुड बी शुड कैच द रीडर्स अटेंशन विच कैन बी डन फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ डायरेक्ट अनाउंसमेंट अ कोटेशन अ क्वेश्चन अ डेफिनेशन अनयूजअल कंपेरिजन और अ कॉन्ट्रोवर्शियल पोजिशन और ओपिनियन हम लोगों का ध्यान कैसे बढ़ता है कैसे हम कोई आर्टिकल को पढ़ते हैं या तो उसकी हेडिंग पढ़ के या उसमें कोई ऐसा वर्ड कोई लाइन कोई कोट लिखा होता है जिससे हमें उसको पढ़ने का मन कर जाता है तो सेम वे इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ द एस राइट तो जो भी टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें अलग वर्ड्स में एग्जस्ट होना चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज क्या है एसेकट्रा एंड एसेकट्रा इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया जो मेन आइडिया है जो सबसे मेन बात है वो उसमें होनी चाहिए इंट्रोड्यूस द पर्पज ऑफ द एसे और उसी में हमें ऐसे का पर्पज़ भी लिखना है जैसे कि हम इनफॉर्म इंफॉर्म कर रहे हैं आर्ग्यू कर रहे हैं किसी को इंक्रेज कर रहे हैं कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ नरेट कर रहे हैं क्लासीफाई कर रहे हैं एनी थिंग इट कुड बी एनी थिंग सो एन इफेक्टिव बॉडी पैराग्राफ शुड explain, illustrate, discuss, or provide evidence to support the main idea of the of the essay. So second hoti hai hamari body. an essay includes body paragraphs which develop the main idea of the essay. तो अब क्या है इसमें ये essay writing में body होती है जो दो तीन paragraphs जो भी होते हैं वो मैंने main idea को introduce करते हैं उसके बाद में दे ओनली डिस्कस वन एस्पेक्ट ऑफ द मेन आइडिया और हर पैराग्राफ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहिए देन फिर जो दूसरा पैराग्राफ है वो पहले और उसके पहले वाले पैराग्राफ को सपोर्ट करता हुआ होना चाहिए क्लियर होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए और ट्रांजिशंस भी होने चाहिए ट्रांजेशन्स मींस आफ्टर लेटर सेम वे फिर आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ दैट इज़ कॉन्क्लूशन जो ऐसे होता है वो एक छोटे से कॉन्क्लूजन में होता है जो एक लॉजिकल एंड है जैसे कि पूरा बता दें कि इम्पॉर्टेंस क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है क्या था क्या नहीं है सब बताने के बाद में कुछ सजेशन्स दे दो कोई ऐसी बात बता दो या जस्ट दे दो पूरा कि इसलिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है जैसे कि अगर कोई ऐसे पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो प्रॉब्लम बता के राइट right? इंग्लिश के बारे में लिख रहे हो तो ओपिनियन दे सकते हो कोई कोटेशन दे सकते हो रीडर्स को रिमाइंड करा सकते हो कि ऐसे लिखने का फोकस क्या था और अपने पूरे मेन आइडिया को अलग वर्ड में पूरा लिख सकते हो नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करना है सॉरी थैंक यू ये सब नहीं लिखना है नाउ वी सी टाइप्स ऑफ एन एसे सबसे पहले होते हैं फॉर्मल एसे ये जो फॉर्मल एसे होते, है, होते हैं ये इम्पर्सनल होते हैं यानी कि ऐसा नॉर्मल लैंग्वेज का नहीं होता कि आपने बस लिख दिया कुछ भी जो कंटेंट है वो साइंटिफिक होना चाहिए नेचर में और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और एस्थेटिक अप्रोच के साथ में यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज और स्टाइल के साथ में लिखा होना चाहिए देन वी हैव इनफॉर्मल ऐसे जो कि बहुत ही फेमिलियर और पर्सनल होते हैं उसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी लिख सकते हैं आसपास की कोई ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं किसी को एंटरटेन करने के लिए लिख सकते हैं अगर हम हाँ और इन्फॉर्मेशन देने का इसमें कंपलसरी नहीं होता है देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ ऐसे दो टाइप के ऐसे हैं अब उसमें फॉर्म्स भी होती हैं क्या है डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो डिस्क्राइब करता है किसी भी चीज़ को किसी टॉपिक को जो कि इट इज़ एन एसे दैट इलस्ट्रेट्स बाई यूजिंग सेंसरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग टू द रीडर्स इमेजिनेशन वॉट इज बींग टॉक्ड अबाउट ये वो इतना डिस्क्रिप्टिव होता है कि जो सामने वाला उसे पढ़ रहा होता है वो एक प्रॉपर चीज इमेजिन करे तो उसे सब पता चल रहा है एक जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है उसने रेड कलर के शर्ट पहनी है ब्लू कलर के शॉर्ट्स पहने समथिंग लाइक दैट फिर होता है नेरेटिव उसमें स्टोरी की तरीके से हम किसी और की स्टोरी बता रहे होते हैं जनरली ये राइटिंग सेक्शंस में न्यूज़पेपर और मैगजीन में मिल जाता है देन वी हैव एक्सपोजिटरी ऐसे ये ऐसे ऐसे होते हैं ये कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जो रीडर अंडरस्टैंड कर सके समझ सके फिर होते हैं पर्सिव ऐसे ये किसी को कन्विंस करने के लिए किसी को परसुएट करने के लिए अपनी थिंकिंग के बारे में होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मानना है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है तो मैंने एक ऐसे लिख दिया उससे पता चला कि ओके okay, मैं किसी को परसुएट कर रही हूँ कि एक बार पढ़ो तो सही क्यों इम्पोर्टेंट है फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑडियंस ऑब्वियसली हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे को पढ़ने वाली ऑडियंस बच्चे हैं बड़े हैं बूढ़े हैं या कितना उनकी एडुकेशन है कितनी नहीं है पर्पस क्या है क्या इंटेंशन है क्या दिमाग में गोल है जिससे हम ऐसे लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होगा पॉइंट ऑफ व्यू आपके आइडियाज़ क्या हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में थीम थीम में क्या है कि क्या मैसेज मिलेगा उस ऐसे से वो मूड कैसी फीलिंग है क्या चीज़ है कोई एक्सपीरियंस बताना है या कुछ भी इस तरीके का जो भी आपको दिखाना है वो टोन अब टोन कैसी है आपकी यस yes, राइटिंग में भी टोन पता चलती है बिकॉज़ वॉट एवर यू थिंक यू राइट स्टाइल कैसा है